हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत आप सबका वाईफाई स्टडी जेई लाइव चैनल पे। मैं डीएन यादव और हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही शानदार टॉपिक, और टॉपिक है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री POC। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि वो एलिमेंट्स जिन्हें हमें ढूंढ लिया है, उन एलिमेंट्स के परसेंटेज को, मतलब अमाउंट को कैसे डिफाइन करें। तो हम यहाँ अमाउंट डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक, मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ अमाउंट में से, खासकर नाइट्रोजन की, जिसमें से बहुत पॉपुलर एक मेथड है ड्यूमा मेथड। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ड्यूमा मेथड के न्यूमेरिकल्स को ट्रिकी कैसे बनाया जाए, ड्यूमा मेथड के न्यूमेरिकल्स को कैसे इजीली सॉल्व किया जाए। पहली बात कि नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए दो मेथड्स हैं, एक जेल्डल मेथड, एक ड्यूमा मेथड। जेल्डल मेथड आपको अलग वीडियो में मिलेगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं ड्यूमा मेथड की। तो ड्यूमा मेथड में पहले मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे काम करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक अपैरेटस दिख रही होगी आप लोगों को, कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड के साथ उसे हीट करते हैं। हीट करने पर जो भी नाइट्रोजन हो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, डाई नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। और जो डाई नाइट्रोजन बनती है उसकी अमाउंट से हम मोल निकालते हैं। तो पहली बात क्या हुई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब कॉपर ऑक्साइड के साथ इनर्ट एटमॉस्फेयर में, CO2 एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं, तो नाइट्रोजन इवॉल्व होती है। मतलब जो भी नाइट्रोजन कंपाउंड में था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, N2 में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, याद रखना कि ये ड्यूमा मेथड सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूजफुल है, जबकि दूसरा जेल्डल मेथड में नाइट्रो कंपाउंड, एजो कंपाउंड एंड रिंग में जहां नाइट्रोजन हो, जैसे पाइरिडिन, ऐसे कंपाउंड्स पे लागू नहीं होता। तो ये जो है इट इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑन ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, मतलब ये सभी कंपाउंड्स पे लागू होता है। तो मेथड में ज़्यादा नहीं जाना, मेथड के में रिक्वायरमेंट नहीं, हमें तो सीधा सीधा देखना है हमारे न्यूमेरिकल में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाइट्रोजन पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 में। तो देखो, यदि हम इक्वेशन की बात करें तो हमारे कंपाउंड में जो भी नाइट्रोजन थी फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो गई, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गई। इधर उधर कोई फॉर्मूले नहीं देखें, कुछ भी नहीं सोचें, सीधा सीधा काम करें, सीधा सीधा आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करें, PV = nRT का। क्योंकि आप लोगों को प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में दी जाएगी। तो देखिए, एक क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे हम काम करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन में लिख रखा है ड्यूमा मेथड है, नाइट्रोजन का एस्टीमेशन करना है, 0.3 ग्राम कंपाउंड का मास है, 0.3 ग्राम किसका मास है, कंपाउंड का मास है। अब कंपाउंड से जो नाइट्रोजन बनी उसके लिए दे रखा है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 50 ml है, कितनी ml है, 50 ml। इसके अलावा हमें दे रखा है प्रेशर जो है वो 715 mmHg है, क्लियर, और टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन है। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर एक और बात दे रखी है एक्वस टेंशन का मतलब है हम जब आइडियल गैस इक्वेशन में यूज करते हैं तो हम हमेशा ड्राई गैस का प्रेशर यूज करते हैं, तो एक्वस टेंशन को क्या कर देते हैं, टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब कुछ नहीं करना, अब सीधा सीधा PV = nRT में वैल्यू पुट करिए, तो N = PV / nRT, PV हो गया 700/760। बताओ 760 क्यों, क्योंकि हम ATM में कन्वर्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम होगी 50/1000, ताकि हम लीटर में ले लें, डिवाइडेड बाई R ले लीजिए लीटर एटमॉस्फेयर में, मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन। इससे निकाल लीजिए मोल, इससे क्या निकाल लीजिए बच्चों, मोल निकाल लीजिए, यहाँ से मोल आएंगे 0.0018 अप्रोक्सीमेटली। अब जो मोल आ गए हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन का मास भी आ गया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मास ऑफ नाइट्रोजन इज जस्ट इक्वल्स टू मोल ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाई, इसका मोलर मास ले लीजिए 28, इससे क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.524 ग्राम। अब देखिए क्या है कि नाइट्रोजन का मास आ ही गया है, तो परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 0.5
2.4 डिवाइडेड बाई 0.3 मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100, इससे क्या आ गया, परसेंटेज आ गया, तो ये परसेंटेज हो गया 17.47% अप्रॉक्सीमेटली, इट इज द फाइनल आंसर। देन सीधी बात है, ड्यूमा मेथड का किस तरह है, कुछ नहीं सोचना है, सीधा सीधा पीवी बराबर एनआरटी पुट करें, एक्वस टेंशन का जरूर ध्यान रखें, आइडियल गैस इक्वेशन में पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पी ड्राई मतलब एक्वस टेंशन को सब्ट्रैक्ट करें प्रेशर में से, देन क्लियर हो गया होगा। बाकी क्वेश्चन आप लोग करके देखिएगा, यदि आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई, ये तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सकें। देन थैंक यू वेरी मच।